थर्मामीटर से इस पानी का इनिशियल टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है। इन द नेक्स्ट स्टेप हम करंट की मदद से इस सब्सटेंस को इग्नाइट करते हैं एंड देन वी यूज इट टू हीट वाटर अराउंड इट। जैसे जैसे पानी हीट होता जाता है हम उसके टेम्परेचर चेंज को रिकॉर्ड करते जाते हैं। As chemists, we should be aware of combustion reactions. इन्हें हम आम जबान में बर्निंग भी कह सकते हैं, जहाँ पर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कम्बस्ट हो जाता है। इसको हम अक्सर फ्यूल ऑब्टेन करने के लिए यूज करते हैं, लाइक इन द बर्निंग ऑफ वुड और द बर्निंग ऑफ कोल। साइंटिस्ट केम अप विद एन इंटरेस्टिंग वे टू मेजर द हीट इन्वॉल्व इन सच रिएक्शंस। और इस तरीके से ना सिर्फ रिएक्शन में यूज हीट बल्कि यूज किए गए फूड या फ्यूल की एनर्जी की वैल्यू का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। इस वैल्यू को हम कैलोरीफिक वैल्यू का नाम भी देते हैं एंड इट कैन टेल अस हाउ एफिशिएंट द यूज फूड और फ्यूल इज। फॉर दिस वी यूज अ डिवाइस कॉल्ड अ बॉम्ब कैलोरीमीटर, जिसके मेजर कंपोनेंट्स में एक इंसुलेटेड कैलोरीमीटर, थर्मामीटर, करंट सोर्स और स्ट्रॉन्ग वेसल जैसे यूनिट शामिल हैं। वेसल के अंदर का एक्सट्रीमली हाई प्रेशर ही ये वजह है कि हम इस डिवाइस को बॉम्ब का नाम देते हैं, जबकि इंसुलेटेड कैलोरीमीटर इंश्योर करता है कि हमारे एक्सपेरिमेंट में से कोई भी हीट एस्केप ना कर सके। The workings of the bomb calorimeter are such. हम अपना tested substance bomb में place करते हैं और इसको 20 atmospheric pressure की value पे oxygen provide करने के बाद इसको पानी से भरे हुए calorimeter में place कर देते हैं। Thermometer से इस पानी का initial temperature record किया जाता है। In the next step हम current की मदद से इस substance को ignite करते हैं and then we use it to heat water around it. जैसे जैसे पानी heat होता जाता है हम उसके temperature change को record करते जाते हैं। टेम्परेचर की इन मुख्तलिफ वैल्यूज से हम अपना चेंज इन हीट एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। यहाँ पे हीट कैपेसिटी से मुराद है वो क्वांटिटी ऑफ हीट जिसको प्रोवाइड करने से हमारे बॉम्ब कैलोरीमीटर का ओवरऑल टेम्परेचर 1 केल्विन से इंक्रीज करता है। एक बॉम्ब कैलोरीमीटर सिर्फ लैब्स में ही नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी काफी यूजफुल है। ये हमें बता सकता है कि कौन सा फ्यूल ज्यादा एफिशिएंट है, इवन फॉर द फ्यूल्स दैट वी यूज इन आवर कार्स। उसके अलावा केमिस्ट इसको यूज करते हैं एक्सप्लोजिव्स को टेस्ट करने के लिए। बहुत छोटी मिकदार में एक एक्सप्लोजिव सब्सटेंस को इग्नाइट करके केमिस्ट पता लगा सकते हैं कि वो कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है। लास्टली एनर्जी वैल्यूज को इस्तेमाल करते हुए ये हमें बताता है कि फूड आइटम्स में कितना फैट कंटेंट है, जिससे हम अपनी कैलोरी इंटेक को मेजर कर सकते हैं और एक हेल्थी डाइट मेंटेन कर सकते हैं।